दोस्तों रेडी एंड हैप्पी टू। आपको रेडी भी रहना है, हैप्पी भी रहना है, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइन अप टू विल बिगिन आवर क्लास विद मी ओंकारम्स। फॉर दैट सिट स्ट्रेट एवरीवन, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। Sairam, okay. So I think all of you have muted your mic, right? Very good. And I can see many are there today. 18 children are there. Very nice. Very good to see you all, children. And if you will wear your t-shirt, school t-shirt or school shirt, that will be really nice. Very good. Okay? So, jitne bachcho ne pehna hai, sabse pehle unke liye hum clap kar de. Jaise Aditya Sahu, Samarth, Pradyut, Kanishka, Ritesh, Arav, Ojas, Kyanshi, Shivansh, Yashi, Karnika aur Gatika to dikh nahi raha mujhe dress. So let's clap for them. Yay, very good. So अगर आप सबको भी क्लैप करवानी है अपने लिए तो आप लोग भी टी शर्ट या स्कूल की शर्ट पहन के आएंगे, राइट? तो फिर हमें लगता है कि हाँ हम स्कूल में बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्यों बोल रहे हैं पहनने के लिए? So that you will get the feeling, real feeling. और रियल में आप स्टडीज जैसे क्लासरूम में करते हैं वैसे करेंगे. ओके, यस. सो चिल्ड्रन, आपको सबको पता ही है कि वी हैव एग्जाम्स इन फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, राइट? हमारे एग्जाम्स होने वाले. हमने काफी पढ़ाई कर ली ना, सब लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली है. अब थोड़ा सा एग्जाम क्यों कर रहे हैं हम, एग्जाम क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? इसलिए आपको किसी एग्जाम वर्ड से डरना भी नहीं है. और करना क्या है फिर, डरना नहीं है तो क्या करना है? आपको थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर देनी है अच्छे से, रेगुलरली. पहले क्या होता था, जब मन किया थोड़ा सा पढ़ लिया. मैम ने भी ज्यादा नहीं बोला कि ठीक है, बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है. मम्मी को भी जब टाइम मिला मम्मी ने पढ़ा दिया. लेकिन अभी क्या कर रहे हैं सबको, सारे बच्चों को तो अभी सारे बच्चों को क्या करना है, सारे बच्चों को डेली अपने टाइम टेबल बनाना है. एक टाइम टेबल बना लो डेली, म्यूट योर माइक बेटा पूर्वांश, और डेली आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई करनी है. चाहे आप 2 आवर्स का ही बना लो, 2 आवर्स में आपको फिर आपको पता है कि हाफ एन आवर मैथ्स, हाफ एन आवर इंग्लिश, हाफ एन आवर हिंदी, और हाफ एन आवर बच गए क्योंकि हाफ हाफ 1 हो गया और एक और हाफ 1.5 आवर हो गया. तो फिर हाफ आवर बचे तो आप क्या करेंगे उसमें, उसमें आप कोई इंग्लिश की बुक रीडिंग कर ली आपने, कोई हिंदी की बुक रीडिंग कर ली, और कुछ देख के लिख लिया आपने, ठीक है? कोई 1 पेज कहीं से देखा और लिख लिया उसको. तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई और रीडिंग प्रैक्टिस भी हो गई. सो सब लोग ऐसे करेंगे ना. शो मी योर थंब, हाउ मेनी विल फॉलो द टाइम टेबल एंड डू रेगुलर स्टडीज. कियांशी तो नहीं दिखा रही मुझे थंब. What happened, Kyanshi? I can't see your thumb. और मुझे समर्थ की भी थंब नहीं दिख रही, उसके फैन दिख रहा है उसका. ओके, थोड़ा सा नीचे कर लो अपने कैमरे को तो आप ज्यादा दिखोगे, फैन नहीं दिखेगा फिर, है ना? आपके सिर्फ यहाँ चिन तक दिख रहे हो, आप नेक नहीं दिख रही आपकी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. ओके, सो आज का रिविजन स्टार्ट करें. हाँ Kyanshi, माइक ऑफ कर लो. बोला है Kyanshi. हाँ बोलो मैम. एक मिनट, पहले Kyanshi बोल देना, फिर बाद फिर आप बोलना. ओके, 1 by 1. यस. हाँ Kyanshi, Kyanshi आप ही की टर्न है. मैम मैंने मैंने थम दिखाया नहीं ना. क्या नहीं किया आपने? ओके, थम दिखाए थे लेकिन शायद नेटवर्क चला गया होगा तो आप जैसे बैठी थी वैसे दिख रही थी. थम आया ही नहीं अभी, दिखा मुझे. वेरी गुड. ओके चलो, पूर्वांश क्या बोल रहा था? पूर्वांश आप बता दो जल्दी से, आप क्या बोल रहे थे? मैम आपने कल टेस्ट की लिंक भेजी थी ना. किसने? मैंने.
Yes. वो हिंदी मैम ने भेजी थी आपको शायद, और आपने भेजी नहीं पता मुझे, लेकिन मैं आज भेजी थी। देखो अभी दो लोगों का माइक ऑन है और दो लोगों के घर से आवाज आ रही है, उसके मम्मी पापा की आ रही है किसी किसी की, जो लोग घर में बातें कर रहे होंगे ना उनकी भी आवाज आती है फिर। हाँ प्रनील आपको कुछ कहना बेटा? वो हिंदी मैम ने भेजा था। हाँ राइट, हिंदी मैम ने भेजा था, सबने किया? शो मी योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन एंड सबमिटेड, किसने किसने सबमिट कर दिया कल उसको फिल करके? वेरी गुड। अब आज मैथ्स मैम भी भेजेंगी, निशा मैम भी भेजेंगी आज, ठीक है? जैसे आपकी क्लास खत्म होगी मैं आपको भेज दूंगी। और उसमें आपको कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट्स लगते हैं ना करने में। पहले उसको खोला, आपका नाम लिखा, आपका क्लास इंफेक्शन लिखा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ऑप्शन देखे, उसको टिक कर दिया जो आपको लगा, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा, देन ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन, और आपको जो लगा करेक्ट आंसर उसको टिक कर दिया, ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे बस, ठीक है? तो कौन सी शीट मैम जो आप भेजती हैं? भेजिए मैम अपनी हिंदी मैम, तो लिख के बच्चों को दे सकते हैं पेपर पे? हाँ बिल्कुल, आप प्रैक्टिस के लिए तो आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन उसको भेजना नहीं है। भेजना क्या है? वही वाला फॉर्म टिक किया बच्चों ने, लास्ट में एक बटन आती है सबमिट, कल आप लोगों ने किया ही होगा, सबको पता चल गया होगा, तो वो सबमिट बटन आप करेंगे तो वो पूरा क्वेश्चन पेपर हर एक अलग अलग बच्चे का हमारे पास आ जाता है, फिर हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। मार्क्स तो वैसे भी आपको पता चल जाते हैं कि कितने आए, लेकिन हमारे पास भी वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है। बाकी अगर आपको लिख के प्रैक्टिस देनी सेम फॉर्म की तो आप करा सकते हैं रफ में, या बता दूंगी आपको, ठीक है? अभी मैं दिखा देती हूँ, एक काम करती हूँ, अगर मेरे पास खुला पड़ा है तो। हाँ है वैसे, चलो मैं दिखाई देती हूँ। ओके लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन चिल्ड्रन एंड प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन। यस वेरी गुड, चालू है जी मैम बोलिए। मैं दिखा रही हूँ, आप सब लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? सब लोग देखिएगा, वैसे तो कल सबने कर लिया तो ऑलरेडी सबको आ गया है, बट फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। अभी बेटा बात मत करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर। देखो एक फॉर्म दिख रहा है आपको, पेंसिल्स बनी दिख रही है, यस और नो एनीवन से? देखो अभी यहाँ लिखा हुआ श्री सत्य साई विद्या विहार गेल मैथ्स मॉक टेस्ट। मॉक मीन्स प्रैक्टिस वाला, रियल वाला टेस्ट नहीं है ये, प्रैक्टिस के लिए। अब आपको यहाँ क्या लिखना है? स्टूडेंट्स नेम, राइट? तो सबसे पहले कॉलम है स्टूडेंट्स नेम, तो आप अपना अपना नाम लिखेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे क्लास, सेकेंड सी, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। अगर आप ये दोनों में से कोई एक चीज नहीं भरोगे तो ये नहीं खुलेगा, ये बोलेगा कि दिस इज रिक्वायर्ड, इसको भरना है तभी होगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ एन आई एस एच ए निशा, ठीक है? क्लास मैंने लिख दी, सेकेंड सी। अब मैं नेक्स्ट करूंगी, देखो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना सबको, तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा पेपर खुल जाएगा, ठीक है? अब आपको यहाँ देखना है 6 - 4 = how much, तो आपको करना है कोई भी एक ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो जैसे कि आपने कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, मैंने कर दिया 0। अब मैं सही कर रही हूँ गलत वो नहीं देखना आपको, मैंने बताया नहीं आपको आंसर, ये खुद करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है उसका एक ऑप्शन टिक करना है आपको, टिक द ऑब्जेक्ट विच फ्लाइज, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है टिक द ऑब्जेक्ट विच रोल्स, फिर ये क्वेश्चन है 7 + 3 = how much, एंड 3 *
3 इंटू हाउ मच इज इक्वल टू 27. तो आप 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 आएगा. और ये देखो ग्रीन कलर के बटन लास्ट में, यू कैन सी दिस बटन ग्रीन कलर. यस चिल्ड्रन, पूर्वांश कैन यू सी दिस? रनिल दिख रहा है आपको ये सबमिट बटन? बस फिर इसमें क्लिक कर देना है. अभी देखो मैंने ये क्वेश्चन, एक मिनट रुको, मैं पहले बोल दूं फिर बोलना. ये क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया इसीलिए वो सबमिट नहीं हो रहा है. अगर कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो वो सबमिट नहीं होगा. ठीक है, ओके. तो आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया ना? मैंने वो ऑब्जेक्ट ही दिए, ऑब्जेक्ट ही आई है. कौन बोल रहा है अभी? अभी किसकी मम्मी बोल रही थी? बेटा अभी जो मम्मी लोगों को फोन बात करनी है ना वो प्लीज हम बाद में कर लेंगे. अभी हमको पढ़ाई करनी है, आपका रिवीजन कराना है. ठीक है, जब पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होगा ना ट्यूसडे को, या आप फोन भी कर सकते हो मुझे. किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे फोन कर लीजिएगा. वैसे तो आप सबको पीटीआई में पिछली बार ट्यूसडे को बता ही दिया था, बट बहुत से पेरेंट्स वहाँ आते नहीं है. ठीक है, वहाँ एबसेंट थे, बहुत सबकी अटेंडेंस लग रही, किसकी मम्मी और किसके पापा अटेंड कर रहे हैं, किसकी मम्मी पापा नहीं अटेंड कर रहे. फिर लास्ट में सब प्रिंसिपल सर से बुला के पूछेंगे सबसे. ठीक है, ओके. तो चलो फिर पहले मैं आप सबकी अटेंडेंस ले लूँ एक बार, उसके बाद हम रिविजन शुरू करते हैं. आज बहुत टाइम हो गया क्योंकि. तो मैं ये क्लास खत्म होने के बाद आप सबको ये गूगल फॉर्म भेजूंगी. ठीक है, और सब लोग अपने आप अच्छे से सोच के आराम से और खुद करना, कोशिश करना कि सब खुद करें. हम क्यों भेज रहे हैं आपको फॉर्म? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. अगर आप मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से पूछ के करोगे तो फिर कोई यूज नहीं है उसका. ठीक है, जो पढ़ते नहीं आए वो आप पूछ सकते हो कि ये क्या लिखा है मम्मा, बट करना खुद ही है, सोचना खुद ही है. ठीक है, ओके. तो हम आज का प्रेजेंटेशन, आज का स्लाइड देखते हैं क्या है. ओके, ठीक है. सो कैन यू सी द साई बाबा चिल्ड्रन? दिख रहे हैं आपको? यस मैम. ओके ओके, सी. यस मैम. बस एक एक एक. हाँ बेटा. हाँ पूर्वांश. पेपर किस पर आएगा? क्या पेपर? पेपर किस पर आएगा? बेटा अभी मम्मी को बोलना कि पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर लेंगी, उसमें बताया है ऑलरेडी, पिछली बार नहीं थी शायद वो, तो फिर फोन कर लेंगी. ठीक है, अभी हम पढ़ाई कर लें. गतिक क्लास में मैं एक बार बता दूंगी आपको. ठीक है, ओके, चलो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर द राउंड ऑब्जेक्ट्स. सो सी चिल्ड्रन ऑन दिस पेज यू कैन सी मेनी ऑब्जेक्ट्स, मेनी पिक्चर्स यू कैन सी, राइट? सो प्रनिल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी वन आंसर, ओनली वन ऑब्जेक्ट. आप एक ऑब्जेक्ट बताओगे जो कि राउंड ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक इनमें से. बॉल. बॉल, ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू प्रनिल इन दिस क्वेश्चन? बॉल को हम क्या करेंगे फिर? रोल होगी बॉल. नहीं, रोल तो होगी, राउंड है ना. तो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में क्या करना है? पढ़ो द, रीड द क्वेश्चन. ये जो ऊपर लिखा पड़े, रोल ऑब्जेक्ट. नो, कलर द राउंड ऑब्जेक्ट्स. राउंड लिखा है, देखो हर कोई जो आर से स्टार्ट होता है वो रोल नहीं होता ना, आपको स्पेलिंग भी देखनी पड़ेगी. और लिखा है कलर, तो आप सबको कलर और राउंड पढ़ना बिल्कुल आना चाहिए. तो हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे ऐसे, राइट? अच्छी लग रही है ना ये बॉल अभी? हाँ, अभी थोड़ा अच्छी लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है. ओके, म्यूट योरसेल्फ बेटा, आफ्टर गिविंग द आंसर अपने आप म्यूट कर लीजिए. ओके, नाउ आई आस्क फ्रॉम आदित्य साहू, एनी अदर ऑब्जेक्ट विच यू फाइंड विच इज राउंड शेप. आपको और कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो राउंड शेप का है? मैम पंपकिन. पंपकिन, ये वॉटरमेलन है, तो इसको कलर कर दूं मैं? यस. ओके, सॉरी. कॉइनर. कॉइनर. ये कौन है? सूर्य प्रताप है ना? क्यों सूर्य प्रताप, आप ही हो ना, हमसे पूछा अभी क्या बेटा? अभी तो हम बोला पंपकिन, इसको वॉटरमेलन को कलर कर रहे हैं. आप अपनी वेट का, अपने नाम का वेट करिए बेटा. ठीक है, जब पूछेंगे तब बताना, राइट?
सो बेटा जब मैं आपका नाम बोलूंगी ना तभी आप बोलोगे मैम। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है अभी? मैं का क्या नाम है? मैं का नाम भी है कुछ? नाम बताओ अपना, मैं मत बोलो, बहुत सारे मैं हैं। जतिक अभी रुक जाओ, आपको कुछ आंसर करना है या कुछ पूछना है? मैम कुछ पूछना है। हाँ ठीक है पूछो। चलो मैम इसकी फोटो कितनी है? बेटा आपकी मर्जी है, आपको खींचना है तो खींच लो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बीच में मत पूछो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? हम डेली ऐसे करते हैं ना बेटा, फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको खींचनी तो आप खींच लीजिए, ठीक है? अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, पूछ रही हूँ तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हो जब लास्ट में क्लास रहेगी, तब मैं आपको फिर से दिखा दूंगी, तब आप फोटो खींच लेना। अभी आप कोशिश करो कि आप समझ लो, डेली हम यही सारी चीजें कर रहे हैं तो डेली आपको समझना है पहले बेटा। फोटो आप खींचते रहना जब आपको मन करेगा, ठीक है? ओके म्यूट योरसेल्फ। राइट सो नेक्स्ट कनिष्का यादव, टेल मी व्हिच इज द राउंड ऑब्जेक्ट यू फाइंड अनदर राउंड ऑब्जेक्ट, कोई दिख रहा है आपको? अनिष्का yes, हाँ बताओ बेटा, कोई और राउंड ऑब्जेक्ट है इसमें जिसको कलर करें हम? प्याज। प्याज हाँ प्याज, प्याज को क्या बोलते हैं? अनियन। तो हम इसको, ये भी राउंड दिख रही है तो अनियन को भी कलर कर देंगे, राइट? Okay, so we have colored this also. Now Yoganshi is there today or not? Okay, Ritesh, batao. Ritesh, are you there? Yes, ma'am. Okay. Wheel. Okay, wheel is also round. Now Arav. Arav is there? Yes, ma'am. Beta, kaun sa object ko color karna hai? Round object kaun sa dikh raha hai? पेंसिल। पेंसिल ओके, तो पेंसिल लॉन्ग भी होती है राउंड भी होती है ना, तो इसको भी हम कलर कर सकते हैं, ठीक है? आपने तो पेंसिल की बॉडी देखी होगी तो ऐसे से राउंड भी होती है, सिलिंड्रिकल होती है वैसे तो अगर हम इसको राउंड ना करें तो भी, पर ये राउंड बॉडीज की रहती है, ओके? अगर आप यहाँ से देखो पीछे से तो ऐसे गोल से रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ओके? ओके सूर्य प्रताप, अभी कोई बचा है राउंड ऑब्जेक्ट जिसको कलर करना है? कॉइन। कॉइन ओके। कॉइन। कॉइन इज आल्सो राउंड सो विल कलर दिस, ठीक है? एनीथिंग एल्स, कुछ और बचा है जिसको करना है? मैम माइक्रोवेव। मैम बॉक्स। ये वाला बॉक्स, ठीक है? राइट, ये भी राउंड भी है और सिलिंड्रिकल भी है, ठीक है ना? मैं बॉक्स। हाँ बेटा आगे बोलो। ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये बोलने वाला था। क्या हो सकता है? बॉक्स भी तो हो सकता है, ये बोलने वाला था। हाँ हाँ बॉक्स को कर दिया हमने। मैं ना मार दिया क्या? हाँ ओके ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और सबकी चांस आएगी, कोई नहीं बोलेगा हमारी चांस हमारी चांस, वेट फॉर योर टर्न, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ फोर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज रिटन नेक्स्ट, टू ऑब्जेक्ट्स विथ स्लाइड्स, फाइव ऑब्जेक्ट्स विथ रोल्स, राइट? Five objects which rolls, three objects which both rolls and slides. ये आपको ध्यान से देखना है, आपको four long objects बनाने हैं. So long can be any, it can be any pencil. So let me take a pen, then I can draw it better. So I can make a pencil.
pencil here like this. Okay, and you can make a pencil because it is also long, right? ठीक है चलो गति tell me two objects with slides. Two objects which can slide. Tell me the name, I will draw. Ma'am. Ma'am box. Box, okay. ठीक है एक तो box हो गया. Okay, और बताओ. Ma'am. Ma'am box. Pranil, आपसे पूछ चुकी हूँ मैंने एक बार. Now you have to wait, right? अभी गति की speaking, right? And आपको पता मैंने बोला था अगर किसी और से पूछो और कोई और बताएगा तो फिर उसकी चांस कभी नहीं आएगी. चलो ठीक है गति ने बोल दिया वन इज बॉक्स and second he has said pencil because pencil can also slide, roll also slide also. But agar yahan pe gatik likha hota two objects which only slides, jo ki keval slide karti hai, to hum pencil nahi kar sakte the kyunki pencil kya hoti hai, roll bhi karegi aur slide bhi karegi. Theek hai yahan pe nahi likha hua only, so we can draw here. Okay chalo next I would like to ask from Karnika, Karnika, are you there? Yes, ma'am. Yes, Karnika, tell me any one object which rolls. कोई एक object बताओ. Which rolls? जो roll करता है. Ma'am, tomato. Very good, tomato. So आप बताओगी और मैं यहाँ पे उसको color कर दूँगी, ठीक है? मतलब बना दूँगी, draw कर दूँगी, right? Okay, ठीक है. Now next, I would like to ask from Yuganshi. Yuganshi, any one object which rolls? Fast bolna beta. Yuganshi, ball, okay. ठीक है. Mute your mic. Now, let me ask from Pradyut. Pradyut, any one object which rolls? Mute your mic, everyone. Somebody's mic is on. I have asked Pradyut. Huh, Pradyut? Coin. Coin will roll, right? So I will. Okay, coin. Suppose this is a 1 rupee coin. Okay. Now next, I would like to ask from. Let me see because I don't know whose name I'm not. Yes, Yashi. Yashi has not told anything. Yashi. Any one object which rolls? Tell me any one object which rolls. जो roll करता है. Tomato. हाँ? जोर से बोलो. Tomato. Tomato is over बेटा. यहाँ पे देखो बना दिया हमने. Tomato बता दिया था ना. ये तीनों object जो हो गए उसके अलावा बोलना है आपको. ताकि मैं यहाँ पे draw कर पाऊँ ना. Clock. Clock. फिर से बोलो अच्छे से बोलो जोर से बोलो आगे के साथ बोलो. क्लॉक. क्लॉक अच्छा ठीक है तो क्लॉक हम बना देते हैं. हाँ क्लॉक कैन बी राउंड बट क्लॉक रोल नहीं करेगी ना बेटा. रोल करेगी क्या ऐसे ऐसे करेंगे तो करेगी राइट. ठीक है चलो ठीक है हम क्लॉक भी बना देते हैं. राउंड वाली क्लॉक स्क्वायर वाली नहीं बनाना आप लोग ठीक है बिकॉज फिर वो स्क्वायर वाली में क्या प्रॉब्लम होगी आपको पता ही है वो रोल नहीं करेगी. ठीक है मैंने ऐसे थोड़ा सा खराब सा बना दिया है आपको थोड़ा अच्छा वाला बनाना बिकॉज ये जो पॉइंटर है ना ये इधर उधर भी भागता रहता है. ओके गंदी सी वॉच लग रही है ना वैसे चलो कोई बात नहीं आप सब अच्छे से बना देना. ओके कलर भी कर लेना उसमें. यस नाउ आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम हाँ ये इतना है. कौन बोल रहा है ये किसको इतना डाउट किसको बेटा नाम बता दो जरा अपना. समर बेटा हाँ ये लिखना है लेकिन अभी नहीं लिखना है आपको मैं भेज दूंगी इसकी फोटो. ठीक है मैं इसकी फोटो भेज दूंगी मैंने ऑलरेडी खींच ली है सेकंड सीन में डाल दूंगी ग्रुप में. सब लोग आराम से पहले समझ लो और आंसर कर लो और करने के बाद वापस फोटो मत डाल देना जैसे आप लोग कल डाल रहे थे ग्रुप में.
अभी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, अगर इतने सारे फोटो डालेंगे ना तो आप खुद ही मिस कर जाओगे कि किस मैम ने क्या डाला है काम, क्या इम्पोर्टेंट चीज डाली है। इसीलिए मैंने मीटिंग में भी बोला था, पेरेंट्स से भी बोला था कि अभी फोटो नहीं भेज दी जब तक हम खुद नहीं बोलते कि आप भेजो। हम यहाँ पे ऑलरेडी इसका आंसर कर रहे हैं ना, तो डाउट तो है ही नहीं कि मैंने बच्चे ने गलत किया है या सही किया है ना। तो आप समझ, आपको मैं ये फोटो भेज दूंगी, पहले आप ध्यान से समझ लो और चलो आंसर कर दो। आपने आंसर भी नहीं किया। एनीवन ऑब्जेक्ट विच रोल्स, समर्थ आप बताओ। एग, ओके, एग विल आल्सो रोल, राइट? ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। नाउ आई वुड लाइक, यहाँ पे आपको फोर लॉन्ग थिंग्स बनानी है। आई हैव ड्रॉन ओनली वन थिंग, सो आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम कुरबान, कुरबान एनी वन मोर थिंग विच इज लॉन्ग, उसके बाद ओजस की चांस है, उसके बाद कियांशी की चांस है। कुरबांश, आर यू देयर बेटा? Yes. Tell me one long object. Long मतलब समझते ना जो लंबी होती है, जिसमें लेंथ होती है। मैम बुक। अच्छा तो ठीक है, बुक, बुक एक्चुअली स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है ना। लॉन्ग तो आप कह सकते हो कई बार, जैसे लॉन्ग रजिस्टर होते हैं, तो ठीक है मैं बना देती हूँ लॉन्ग रजिस्टर, जो बड़ी वाली रजिस्टर वाले होते हैं आप कह सकते हो इट इज लॉन्ग, बट एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो ये रेक्टेंगल है ना, पर कोई बात नहीं, लॉन्ग भी होती है ये। लॉन्ग मतलब जिसकी लेंथ हो, तो ये इसकी लेंथ देखो बड़ी वाली साइड है, राइट? ओके, नाउ ओजस, ओजस यू टेल मी एनी वन लॉन्ग ऑब्जेक्ट। रूलर। हाँ मैम, स्केल, 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 राइट, स्केल और रूलर, वेरी गुड। आप स्केल, आपके पास सबके पास अपने अपने बॉक्स में स्केल है, अब वो लॉन्ग रहती है नहीं रहती है बताओ, रहती है ना, रूलर ऑल्सो भी से, वेरी गुड। नाउ कियांशी, वन मोर ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट, टेल मी। A lamp. 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 Lamp you are saying, right? Lamp bol rahe ho na? Yes. Okay, right. So lamp is also long. Suppose maine ek lamp bana diya. Dekho kya aisi acha lag raha hai ye lamp? Yes. Okay. Okay. Aap thoda sa aur acha bana lenge. और क्या हो सकता है लॉन्ग थिंग, मैं पूछूंगी आज प्रतिका की चांस मिले। प्रतिका आप बताओ एक और लॉन्ग थिंग बताओ। चलो आप सबको कहा था टेन टेन एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए सारे शेप से, आपको भूले नहीं। मैम पेंसिल बॉक्स। यस, पेंसिल बॉक्स इज आल्सो लॉन्ग, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका पेंसिल बॉक्स, उसमें कार्टून बना लेना कोई भी, जिसको जो मर्जी हो वो बना लेना। राइट, एनीबडी एल्स हु लेफ्ट, लेट मी सी किसकी चांस नहीं आई, मुझे देखने को। सो आई थिंक सभी की चांस आ गई है, कोई बचा है क्या? सो हाँ रितेश, आपको पूछा तो था, अच्छा आपकी शायद किसी और ने आंसर किया। चलो रितेश एक और लॉन्ग ऑब्जेक्ट बनाओ, आप बताओ मुझे। मैम मैं भी, मैम स्टिक। हाँ मैम स्टिक। बेटा एक जब बोलता है तो प्लीज दूसरा मत बोलो, मैं देख रही हूँ यहाँ लिस्ट में किसका नाम छूट गया है, दक्ष का छूट गया है, मुझे पता है आज का। अभी मैं सबसे पूछूंगी, डोंट वरी, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन। स्टिक, यस, वेरी गुड। सो वी कैन ड्रॉ स्टिक ऑल्सो, राइट? हम एक स्टिक भी बना सकते हैं, हम रोप भी बना सकते हैं, रोप पता है सबको, रस्सी, वो भी लॉन्ग होती है। स्नेक भी बना सकते हैं, बट दिस स्नेक इज नॉट ऑब्जेक्ट, तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है और स्नेक तो लिविंग थिंग होता है, राइट? यस, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, एंड हियर आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम दक्ष ओनली। दक्ष माइक ऑन करो बेटा। Yes, ma'am. Yes. So, in this question, in this worksheet, Daksh, what you have to do, you have to pair
एंड काउंट देम. सो पेयरिंग इज ऑलरेडी देयर, आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है. कैसे काउंट करोगे, पेयर के साथ, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी पेयर्स एंड टोटल. तो यहाँ पे देखो सब लोग, पहले ये एक्सप्लेनेशन है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले सब लोग देख के समझ लीजिए. सो यहाँ पे सपोज स्वान्स है ये सारे, तो टू टू स्वान है, एक इधर घूमा हुआ है एक इधर घूमा हुआ है. सो दिस इज वन पेयर, राइट, दिस इज टू पेयर, दिस इज थ्री पेयर, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव पेयर. तो यहाँ लिखा हुआ है फाइव, लेकिन अगर हम टोटल गिनेंगे तो कितना होगा, टू फाइव का टेन. आपको हमेशा टू का टेबल पढ़ना होगा. और अगर आप वैसे काउंट करना चाहते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड टेन, राइट, टेन स्वान्स है. तो अब आपको यहाँ पे दस, ये सॉक्स दिख रहे हैं, yes, ma'am. ठीक है, आप सॉक्स को काउंट करो, सारे सॉक्स को काउंट करो. चलो थ्री फोर सिक्स नहीं, फिर से काम करो, रॉन्ग है, फिर से करिए, ऐसे काम करो, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे करो, आप भी करो, फिर से करो, आप भी करो, ठीक है. मैम 19. नहीं, अब चलो मैं दिखाती हूँ आपको. चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, राइट. तो कितने हैं, 18 है. तो टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 18. आप काउंट तो सही कर रहे थे बेटा, लेकिन शायद कुछ मिस कर रहे थे या कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है. तो इसलिए काउंटिंग भी, अगर सपोज बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनको काउंट करना हमेशा क्या होता है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, राइट. तो उसके लिए क्या करना, हमें प्रैक्टिस करनी है. आप 10 तक तो काउंट कर लेते हो इजिली, 11 12 भी कर लेते हो, लेकिन जब थोड़ा बड़ा 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 ज्यादा नंबर काउंटिंग आती है तो फिर क्या होता है, मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है. सभी लोग को आता है काउंटिंग, बट व्हाट दे डू, यूजुअली दे डू सम सिली मिस्टेक, छोटी छोटी कोई मिस्टेक कर देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है. दश 18 सॉन्ग्स है. चलो आप बताओ टू की टेबल पढ़ के सुनाओ और बताओ 18 का बात सुना दो मुझे, टू का टेबल. चलो दश तो ठीक है, हमारे पास कितने हैं यहाँ पे सॉक्स, 18 है. तो हमने टू नाइन्सा पढ़ा ना दक्ष, तो नाइन टाइम्स आपने उसको पढ़ा तो आया हमारा 18. इसका मतलब कितने पेयर्स हैं, 9 पेयर्स हैं. अगर आप यहाँ पे उसको देखना चाहते हो कैसे पता चलेगा तो मैं दिखाती हूँ, मैं दूसरे कलर का पेन चूज करती हूँ. चलो हाइलाइटर यूज कर लेते हैं. देखो अब देखना ध्यान से दक्ष, और सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से. ये हो गया एक पेयर, ये दोनों को मैंने कलर कर दिया ना, एक पेयर हो गया. दो को हम वन मानते हैं ना जब हम पेयरिंग करते हैं ना दक्ष. टू को क्या काउंट करते हैं हम, टू ऑब्जेक्ट्स को वन पेयर. तो ये फिर से हम टू को लेंगे, ये हो जाएगा नंबर टू. दिस इज थ्री पेयर, दिस इज फोर पेयर, दिस इज फाइव पेयर, दिस इज सिक्स पेयर, दिस इज सेवन पेयर, दिस इज एट पेयर एंड दिस वन इज नाइन पेयर. अगर आप इसको घर में, अभी तो आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ, जब मैं आपको इसकी फोटो भेजूंगी ना, इस वर्कशीट की आज भेज दूंगी, तो फिर आप लोग सब लोग इसको ऐसे कलर करके करना, कलर से ऐसे उसकी लाइन खींच लेना या ऐसे सर्कल कर देना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सबको, राइट.
right? So it is a 9 pairs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pairs are there. Okay, chalo. Yashi, open your mic. Yashi. Say yes ma'am, no ma'am. Kuch to bolo beta, pata kaise chalega? हाँ बेटा, नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या आपने? इतनी देर में आवाज निकल गई है, दो ग्लास दूध पिया करो तुम, ठीक है? ओके, चलो अभी आप बताओ कितने फ्रॉग्स दिख रहे हैं आपको, काउंट करके बताओ, किसी से नहीं पूछना, खुद से काउंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी, काउंट करिए फटाफट से, जोर से काउंट करो मैम, फिर से काउंट करो यशी, यशी ने बोला थ्री, यशी की आवाज इतनी जोर से नहीं आती है, फिर से काउंट करो बेटा, यशी फिर से काउंट करो, थ्री नहीं है, मैंने आपको पेयर नहीं पूछा है, काउंट करने के लिए बोला, मुझे काउंट करके दिखाओ, मैं देख रही हूँ, चलो हाँ काउंट करके बताओ कैसे आया सिक्स, काउंट करिए यशी, फिर से काउंट करो, मुझे सुना के काउंट करो, हाँ जैसे कि वन टू ऐसे बोलो, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है सिक्स है ना, तो आप टू का टेबल में आप पढ़िए, सिक्स कब आता है बताइए, टू का टेबल स्टार्ट करो, जब तक सिक्स नहीं आए तब तक मत रुकना, पढ़िए जोर से पढ़िए ताकि मुझे सुनाई दे यशी, टू फोर का एट, तो पहले कहाँ आ गया, टू वन टू टू जो फोर, वो फिर से बोलो, हाँ टू थ्री जो सिक्स, सिक्स आ गया ना, तो आपको सिक्स में स्टॉप हो जाना है, तो कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे, देखो टू थ्री जो सिक्स, तो थ्री पेयर्स, अब आप यहाँ से भी देख सकती हो, मैंने तो इसलिए पूछा ताकि टेबल सबको याद रहे, ये वन पेयर हो गया, यशी आप देख रही हो ना, यशी हाँ टू फ्रॉग को मिला के वन पेयर, तो इसको हम बोलते हैं वन, नंबर वन, दिस इज नंबर टू पेयर एंड दिस इज नंबर थ्री पेयर, राइट, तो कितने पेयर है टोटल हमारे पास यहाँ फ्रॉग्स, यशी थ्री, ओके नाउ सूर्य प्रताप ओपन योर माइक, यस बेटा, कैन यू सी सम बर्ड्स, ब्लैक कलर की बर्ड्स दिख रही है आपको, यस मैम, काउंट करो कितनी है, काउंट करना है, पेयरिंग नहीं करनी है, काउंट करिए, काउंट हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, जोर से काउंट करो ताकि मुझे भी सुनाई दे, 15, काउंट तो किया नहीं तुमने, फिर से करो काउंट करके बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very good. तो यहाँ पे मैं 16 लिख दूँ? Yes. आप मुझे आप बता सकते हो कितने pairs हैं 16 में? कितने pairs बनेंगे? तू का table पढ़ो. जब तक 16 है सूर्य प्रताप क्या यस मैम टेबल पर बता नहीं नाइन टू नाइन का कितना होता है तो हमें 18 नहीं चाहिए हमें 16 चाहिए फिर से पढ़ो आप पढ़ के सुनाओ वन टू थ्री फोर नहीं
table of two, multiplication table of two. Two. Two to the four, two three and six, five to ten. Two four का कहाँ चला गया? सो गया क्या कहीं जाके? Two four का? Two four का eight. Right. Next. Okay. Five to ten. Two six to twelve. Two seven to. Two seven to 14. Two. Eight. 16. Ma'am, two eight. Ja. हाँ. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Two eight. Ja. Two eight. Ja नहीं लिखेंगे सूर्य प्रताप. हम सिर्फ eight लिखेंगे. ठीक है? आप पहले माइक ऑफ कर लो, आपकी दीदी की आवाज, वो भी क्लास अटेंड कर रही है, सबकी आवाज आ रही है. अलग अलग रूम में बैठा करो या थोड़ा दूर दूर बैठा करो. अब आप देखो हम इसकी पेयरिंग कर रहे हैं, ये बर्ड की फ्रेंड ये बर्ड है तो वन पेयर, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. राइट, तो एट पेयर बर्ड्स हो गई यहाँ पे हमारे पास. नाउ शिवांश इज देयर. शिवानी मैम. हाँ बेटा. यस मैम. मैम ये फर्स्ट वाले में फाइव सिंगल सिंगल है तो फाइव पेयर कैसे बन गया? बेटा वो जॉइन ऐसे है ना, इसलिए लग रहा सिंगल है. वो सिंगल नहीं है, एक की गर्दन इधर है और एक का फेस उधर है. ठीक है, टू टू है. जब आप इसको पास से देखोगे ना तब समझ में आएगा. वो उनकी जो बैक है, जो उनकी पीठ है, जो पूंछ वाली पार्ट है, वो जॉइन है ऐसे दिख रहा है, बट ऐसे अलग अलग तरफ घूमे हुए ऐसे. ठीक है, ओके. चलो फिर शिवांश राठी बताएगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दिस गेम और सम टॉयज आर देयर. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर पहले बताओ, काउंट करके बताओ शिवांश जल्दी से मुझे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 right? 14. Okay, 2 to 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, right? 14 are there. And kitne pair banenge, Shivansh? Pairs kitne banenge, wo bhi batana hai na? 7. Because 2 sevens are 14. Very good. Now, Pradyut, how many hands are there, Pradyut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Very good. How many pairs, Pradyut? 12 में कितने pairs बनेंगे? 6. Very good. 2 6 are 12. अगर आप ऐसे भी करोगे तो ये इसका pair 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? वेरी गुड. अब ये थ्री क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स बनी है. और लेट मी शो यू अनदर वन. ओके, दिस वाज ओनली द थिंग. सो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट में आपको इसकी फोटो भी भेजनी है ना, आपको फर्स्ट पेज की भी भेजनी है. तो आई विल सेंड यू द पिक, डोंट वरी. आप लोग को मैं भेज दूंगी, बट आप लोग इसको करके वापस मत भेजने लगना. ठीक है, अभी अपने पास रखो, हम बाद में एक साथ चेक करेंगे. और चेक भी क्या करना है, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. Right? So, yes, children, at the end, we will do Shanti Path. This was from today's class. Revision we have done. Lesson 1, Lesson 2, dono cover ho gaye hain. Ma'am. हाँ प्रदीप बोलो जल्दी से. मेरे ऊपर के दोनों डांस छूट गए. फ्रेंड क्लोज योर आईज. ओके साईराम चंद्रन, आई विल सेंड यू द वर्कशीट. और अभी मैं आपको सबको गूगल फॉर्म में भेज रही हूँ. ठीक है, तो आप आश्लेष से नहीं पूछ पाएंगे आज. नेक्स्ट कल मैं आश्लेष से.